सीमा, अमू, नीता, खाना खा लो। कब तक इंतजार करोगे? जल्दी क्या है, किसी को फोन भी तो नहीं कर सकते। दो दिन से बंद पड़ा है टेलीफोन। बारिश देखिए, आधे से ज्यादा टेलीफोन का यही हाल है। हेलो हेलो हेलो, कौन है? हेलो, कौन बोल रहा है? बाबा, हेलो, देखिए मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। हेलो, देखिए आपकी आवाज। क्या हुआ? लाइन कट गई। आवाज सुनाई दी किसी की? टोन भी गया। फिर से बारिश होगी, जम के होगी। तुम लोग खाना खा लेते। मां, तुमने बाबा को जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? अभी सुनते हैं मेरी जो। क्या बताया था तुमने, किस वक्त निकले थे वो बाहर? शायद 7 बजे से कुछ पहले। दोपहर से कुर्सी लेकर जो बरामदे में बैठे रहे, उठे ही नहीं। लेकिन क्या हुआ, क्या था? वही बात तो हुई होगी। पता नहीं, बरसता पानी ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार देख रहे। नहीं, तुम तो कोई ऐसी वैसी बात? फिर वही, एक ही बात की रट लगाई जा रही है। कुछ हुआ होता तो माँ थोड़ी छुपाते। तो ऐसे मौसम में कोई ऐसे ही बाहर निकल जाता है? इसकी जबान तो सुधरेगी नहीं कभी। काफी देर तक घूमते टहलते रहे, फिर कुछ किताबों को उल्टा पलटा, कुछ लिखा भी जैसे अक्सर लिखते हैं। दो एक बार किसी को टेलीफोन पर ट्राई करते रहे, फिर बरामदे में जाकर बैठ गए। 5 बजे मैंने चाय दी, पी ली। और कुछ? माने कोई बातचीत नहीं हुई तुमसे? दिन में कितनी बार बात करते हैं मुझसे? जैसे हमसे बहुत बात करते हैं। सीमा, क्या है? वहां क्या कर रही हो? यहाँ आओ। काफी देर तक बरसात बंद रही, गली सड़क का पानी भी उतर गया। आरती बर्तन चौका करके चली गई और अचानक
सुनती हो? क्या बेकार है कोशिश करना? मैं जरा बाहर जा रहा हूं। कहां? अभी आता हूं। अभी? इतना खराब मौसम है, ऐसे में भला कोई निकलता है बाहर? क्या बाकी सब घर में बैठे हैं? पर तुम किस लिए जा रहे हो? क्यों, क्या तुम्हारे बच्चे नहीं गए बाहर? मैं क्यों नहीं जा सकता? बच्चों को तो जैसे कोई काम ही नहीं है। दीदी को ऑफिस नहीं जाना पड़ता, मेरी अपनी भागदौड़, लोगों से सर खपाना नहीं, और सीमा का कॉलेज, ये सब तो जैसे फालतू की चीजें हैं। अब कौन समझाए उन्हें, सारा सारा दिन घर में बैठे सोचेंगे। पता नहीं क्या किसी ने तो जबरदस्ती बैठा के नहीं रखा, पढ़ाने हटाने में दिल नहीं लगा, वो तो खुद ही कहते थे। और इनके सीनियर्स को देखो, पांच पांच छह छह सालों से एक्सटेंशन लिए बैठे हैं, अभी भी रिटायर नहीं होना चाहते, पढ़ाई चले जा रहे हैं। वो पढ़ा रहे हैं, बाबा नहीं पढ़ाते। बस क्या बात लेकर बैठ गए, खाली बैठे, चुपचाप बैठे रहने वालों में से हैं बाबा, दिखता नहीं कैसे दिन रात किताबों पे झुके रहते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ, सुनाई दे रहा है? जी हाँ, आप कौन बोल रही हैं? हाँ मैं सीमा बोल रही हूँ। कौन? ओ आप कौन है? अपर्णा दी। क्या हुआ इतनी रात को? टाइम क्या हुआ? 11:50। हेलो हेलो अपर्णा, क्या बात है? ओ बाबा वहाँ हैं? हाँ हाँ, अच्छा उनसे बात करनी है, लेकिन वो तो सो गए। सो गए, कह दो कह दो। हेलो, वो तो सो गए हैं। नहीं कुछ तबीयत कुछ खराब। हाँ हाँ हाँ, कोई जरूरी काम था क्या? जी नहीं, ठीक है सोने दीजिए, जगाने की जरूरत नहीं है, वैसे कोई खास बात नहीं है। हेलो, हाँ 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 हाँ, कहो। हाँ मैं सुन रही हूँ। क्या फोटो? कौन से फोटो? किसने? हमारे घर में? ओहो आप ना बिल्कुल भूल जाती हैं, उस दिन कुछ फोटो खींची थी, सर बहुत आनातानी कर रहे थे, याद है? उनकी प्रिंट्स आई हैं, अच्छी आई हैं, बहुत अच्छी, उनमें आपकी भी तस्वीरें हैं, आऊंगी लेकर। अच्छा अब रखूं? तूने मुझे ये क्यों कहा कहने को कि सो गए? क्या फायदा, काम का फिक्र करती। डायल टोन है, किसे फोन करें? अरुण काका को, वही तो है जो एक दोस्त। नंबर क्या है? 37। अरे कहां गई वो बाबा की छोटी वाली डायरी, यहीं तो रहती थी। माँ बाबा साथ तो नहीं ले गए? हो सकता है, कहां तो नहीं है। क्या हुआ सीमा? 377200। 377200 घंटी बज रही है, शायद सो गए हो। सो गए हो तो जगा दें। हेलो हेलो, हाँ अरुण काका, हाँ मैं अमू बोल रहा हूँ, अमू अमित जी, जी हाँ जी, नहीं मैं शशांक राय का बेटा अमित उनके घर से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ कहो, क्या बात है, इतनी रात गए? हाँ क्या कह रहे हो, पर निकले कब ऐसी तूफानी रात में? नहीं नहीं, उनके यहाँ आने की कोई बात नहीं थी, और इस बारिश में आते भी कैसे? हाँ अभी तो बारिश बंद है और पानी भी काफी उतर चुका है। क्या हुआ? शशांक घर नहीं लौटे। हाँ सुनो, थाने में खबर दिया? अभी नहीं नहीं, हम सोच रहे थे कुछ देर और इंतजार, हाँ शायद सुबह तक,
जी बारिश में शायद कहीं फंस गए हो। तो रखो। हाँ हाँ जरूर। पुलिस में जाने को कहा है। पुलिस? पुलिस क्यों? सभी अब यही कहेंगे पुलिस अस्पताल। सुनो नीता, शायद वो हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हों पर फोन नहीं मिल रहा, ऐसा भी तो हो सकता है। अब किसे कर रही हो? मामा जी को। मामा जी को? बाबा कभी जाते हैं वहां? नहीं नहीं करने दे, बड़ी पहुंच है उनकी, ऊंची ऊंची जान पहचान है, फिर हमारे अपने हैं। पता नहीं आज क्या हो गया है, मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मामा, चाय के लिए कहूं? तुम लोग पी रहे हो? आरती, कुछ लिख विख कर नहीं गए? ऐसे अक्सर लिखते रहते थे। नहीं आरती, क्या है ऐसा क्यों कहा कि कुछ लिख के नहीं गए? लिखा हुआ तो था, अच्छा नहीं लगता। ऐसे तो बाबा बहुत कुछ लिखते रहते हैं, अभी दिखाने जाओ तो सौ मतलब निकाले जाएंगे। कम से कम पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए, वो भी नहीं की। सुबह हो गई और तुम लोग ऐसे ही बैठे हो। लेकिन हमने इस तरह से तो नहीं सोचा था। एक आदमी कल शाम से गायब है, घर नहीं लौटा। हम तो यही सोच रहे थे कि अभी मतलब किसी वक्त भी आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। अब ये किसे पता था कि? इसीलिए हाथ पर हाथ धरे रखने की बजाय पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए थी। यही होता है, सब यही करते हैं। हमने सोचा शायद कहीं अटक गए होंगे, पानी उतरते ही सवेरे आ जाएंगे। अरुण काका आइए आइए। क्यों नहीं लौटे? नहीं भाई। बैठिए। आइए। नहीं ठीक है, आप बैठिए, मैं यहां बैठता हूं। मां तुम यहां बैठ जाओ। आपको कब पता चला? कल रात। कितनी रात गए?
करीबन 12 बजे है ना? मुझे भी तुमने उसी वक्त फोन किया था? जी, पहले खबर कर ही नहीं पाए, फोन नहीं काम कर रहा था, फिर अचानक एक फोन आने पर ही आपको। अपर्णा दी का। कौन? उनकी एक स्टूडेंट है। एक ही कॉलेज में पढ़ाती है? इतनी रात को? इन लोगों का बस ऐसे ही है, समय की कोई पाबंदी नहीं। साथ साथ कुछ कर रहे हैं शायद। कर रहे हैं मतलब? शशांक भाई एक थीसिस के सिलसिले में उसकी मदद कर रहे हैं। ओ, गाइड? नॉट ऑफिशियली, वैसे ही। लेकिन तुम लोगों में से किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं समझी। पुलिस घर में आएगी, उन्हें पता चलेगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, इसीलिए? नहीं, ये बात नहीं। कपड़े डाल दिए सुखने? हाँ। तो अब जाओ। पांच घरों का मांझ कर खाती है, बात फैलते देर लगती है, किस किस से छुपा रहेगा, कब तक छुपा रहेगा, छुपा सकोगे? हेरो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। टेलीफोन। आप कमिश्नर साहब से बात कर सकते हैं ना? मुझे पता है कैसे बात करनी है। ये कौन होगा? कौन है? क्या बात है? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? क्या होगा क्या? अजीब हो तुम लोग, कुछ हुआ होता तो बताती नहीं, छुपाए रखती। क्या हुआ? लगा जैसे टेलीफोन बज रहा हो। देखते देखते कितने दिन बीत गए।
रात दिन कितना कुछ लिखते थे, थोड़ा अगर कुछ लिखकर जाते तो। सीमा, उनके कमरे को तो अच्छी तरह देख लिया होता, ठीक से ढूंढते तो शायद। अच्छा माँ, तुम ये बात क्यों नहीं समझती? बाबा को अगर कुछ कहना होता तो वो। आ आरती, तेरे बाबा यही कहते हैं, आरती काम कम करती है और शोर ज्यादा। हाँ क्यों, इतनी जल्दी किस बात की है, धीरे से नहीं कर सकती? माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा, अपना ध्यान रखना। माँ साहब का कमरा साफ कर दूँ? रहने दे। क्यों? मैं ही कर लूंगी, तुम लोग चले जाते हो, दोपहर को अकेले मैं क्या करूं? देर हो रही है, मैं चलूं? हाँ दीदी, छतरी भूल गई, तेरी क्लास नहीं है? हाँ जाऊंगी। सीमा क्या है, कॉलेज से लौटने में देर होगी? नहीं, क्यों? नहीं माँ अकेली है ना। नहीं मैं जल्दी चली आऊंगी। नमस्ते। कोई खबर मिली? नहीं अभी भी नहीं, क्यों भाई? अब क्या कहूं बताइए। ऐसी आग लगती है ना, बात करने का ढंग देखो। बाबा लौटे नहीं तो जैसे सारा का सारा कसूर हमारा ही हो। एक्सीडेंट, अरे भाई एक्सीडेंट हो गया। सुनिए, आई कॉल यू बैक लेटर। नीचे एक आदमी नीचे गया, बहुत बुड्ढा आदमी है। सड़क क्रॉस नहीं करेंगे तो फिर तो हमारे गाना। अरे वो देखो यार, उसको निकाल रहे काम टूट गई। बहुत बहुत हमारे मोहल्ले में एक्सीडेंट हुआ, बूढ़ी औरत छोटा बच्चा गोद में ले जा रही थी। अरे लेकिन गाड़ी वाले ने ऐसा मारा उसको, 4 फुट दूर जाकर गिरा बच्चा। अरे लेकिन देखो रास्ते पर चलना भी नहीं आता ना, क्रॉस भी नहीं करना आता ना। चलना गाड़ी वाले का देखना तुम। अरे पुलिस बोले, पुलिस क्या करेगी, ये सब क्या हो रहा है, क्यों नहीं करेगी इतना, बंद करो। अरे क्या करेगी, कलकत्ते का ट्रैफिक ही तो ऐसा हो गया ना, कलकत्ते का क्या करेगा भाई। तुम लोग को जरा भी एहसास नहीं कि लोग भी देखो ना कितना पब्लिक। नहीं नहीं देखो, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा, कम से कम पुलिस का यही ख्याल है। कोई कसर तो छोड़ी नहीं उन लोगों ने, कितने दिनों से लगे हुए हैं। देखते देखते कितने दिन बीत गए। ये लोग मतलब पुलिस वाले कह रहे थे, मतलब सोच रहे थे, कम से कम मुझे तो यही कहा। क्या कोई दूसरी बात हुई हो तो पुलिस उसमें क्या कर सकती है? दूसरी बात मतलब वो कहते हैं कि घर में कोई ऐसी वैसी बात हुई हो तो, मतलब कोई मन मुटाव, कोई झगड़ा है ना। झगड़ा हमारे घर में कौन करेगा झगड़ा, और वो भी बाबा से, वो तो किसी से। बेटी वो तो हम भी जानते हैं। माँ तो बार बार एक ही बात कहती हैं, कुछ लिखकर क्यों नहीं गए। ये बात सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं कहती,
पुलिस का भी यही कहना है। अमू का बिजनेस कैसा चल रहा है? कुछ खास बताता तो है नहीं, बस अपने में ही। जरूर बताता अगर काम ठीक चल रहा होता। बाबा ने पूछा था दो एक बार। पूछा था तो क्या कहा? अमू को सवाल अच्छे नहीं लगते। नीता, शायद तुम जानती हो, तुम्हारे बाबा अमू को लेकर काफी परेशान रहा करते थे। उनको उम्मीद थी कि अमू पढ़ाई में ध्यान देगा, आगे बढ़ेगा, बाप दादा का नाम रोशन करेगा, उन्हीं का प्रोफेशन अपनाएगा। पर वो तो और इसी गम में सबको छोड़ छाड़ करके चले गए। आप भी कभी कभी अजीब सी बातें करते। कभी कभी मैं सोचता हूं कि पता नहीं तुम लोगों को भी कभी ऐसा लगा या नहीं, तुम्हारे बाबा तुम सबके बीच रहते हुए भी ऐसे हमेशा सबसे अलग ही रहे, बिल्कुल अकेले। और कब तक पढ़ोगे? देर हो गई, मजा क्या है? अच्छा बाबा, इस घड़ी में ऐसी क्या खास बात है कि मैं इसे जितनी बार यहाँ से हटाती हूँ आप वापस रख देते हो? ए, ए, एक मिनट मुझे दे दो। अरे देखो, दो नहीं एक कांटा इससे ही, लेकिन धड़क रही है। अच्छा तो बताओ टाइम क्या हुआ? वो नहीं मालूम, छोटा कांटा तो गायब है। तो फिर क्या फायदा क्या हुआ? लेकिन घड़ी तो चल रही है। वो तो आप चला रहे हैं। लेकिन चल रही है भाई, जिंदा है। जैसे हम सब जिंदा हैं। That's it. जिंदा है, सांस ले रहे हैं, लेकिन कहां जाना है? अपर्णा दी। हेलो, इस तरह अकेले क्यों बैठी हो माँ? ओ
ये क्या पागलपन है माँ? ऐसे रोने से और दिल दुखेगा। बोलो उठो, मैं भी तुम्हारे कमरे में सोऊं। अपर्णा, अपर्णा,
इतने इतने दिन नहीं आई, आ नहीं पाई। क्या कहती आकर? ये तस्वीरें थी मेरे पास, इन्हें दे जाती पर। आओ। अरे आओ 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 ना अंदर आओ, आ जाओ। मैं लेकिन अकेले नहीं आई। अरुण काका। अरुण आओ आओ बैठो, अभी एक सेकंड में आया। आइए आइए बैठिए। बैठो। न कोई इत्तला न कोई खबर, वैसे ही चली आए। आपको सरप्राइज देना चाहती थी। आपका ये कलेक्शन फैंटास्टिक। सब मेरे पिताजी का है, मैं क्या जमा कर पाया हूं। इंडेक्सिंग देखी, वो भी मेरे पिताजी की हुई है। फैबुलस। आई वॉज ए स्टूडेंट। अच्छा या पढ़ो, इसमें आर्टिकल छपा है मेरा। कौन सा आर्टिकल? वही वही जिसका तुम पिछली बार जिक्र कर रहे थे। कंट्रोवर्सी होगी, कुछ लोग शोर तो जरूर मचाएंगे। अभी रहने दो, घर ले जाकर पढ़ना, रीड इट केयरफुली। हम लेकिन एक साथ नहीं आए। हाँ, नीचे ही मुलाकात हो गई। मैं किसी और काम से आया था, आज मैं भी एक सरप्राइज देने वाला हूँ। सीमा, चाय बनाने को बोलो। इन्हें जानती हो माँ? कौन? ये जो भी आई हैं, पहले तो कभी नहीं आई। वेरी डिग्निफाइड। और बाबा को देखो, इंट्रोड्यूस तक भी नहीं कराया। क्या मालूम तुझे इस घर की नौकरानी समझ लिया हो। हाँ भाई, सुन रही हो? जाओ नौकरानी की अम्मा। अरे जरा अंदर आ जाओ भाई। क्या बात है? नहीं मैंने नहीं, अरुण ने बुलाया। नमस्कार। नमस्कार भाभी। भाभी, आपके सामने ही ये बात कहनी है मुझे। आपके बिना यह काम होगा ही नहीं, आप ही समझा सकेंगी। क्या? साबुन। साबुन क्या? ऐसे ही है ये, कुछ ना कुछ। अरे हाँ, ये है मेरी पत्नी सुधा। मैं अपर्णा हूँ। हाँ, ब्रिलियंट, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया है, पढ़ा रही है। अच्छा। मेरी कलीग बन गई है। सुनो, मैं जिस काम से आया हूँ बहुत जल्दी है मुझे। तुम तो हमेशा बाहर घोड़ा बांध कर आते हो यार। अब सब आपके जैसे थोड़े ही हैं, सबके पास काम है। हाँ सुना, इनको ये शिकायत हमेशा रहेगी। एक स्कीम मेरे दिमाग में बहुत दिन से घूम रही थी, अब वो पूरी हो चुकी है। एक कोचिंग क्लास, ट्यूटोरियल होम खोला है। वाह। सिर्फ वाह कहने से नहीं चलेगा, तुम्हें वहां पढ़ाना होगा। पढ़ाना होगा मुझे कोचिंग क्लास में? अब ना मत करना भाभी, आप ही कहिए। घंटे भर की तो बात है, हर रोज, वो भी शाम को। सब बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। अरे पढ़ाना किसे है, मुझे या तुम्हारी भाभी को? उसे क्या समझा रहे हो? ऐसा तो नहीं तुम्हारे पास वक्त नहीं, घर ही पर तो बैठे हो। क्यों, अच्छी लगी ना बात? बैठा हूं। ये सब भी यही कहते हैं, बैठा हूं। गलत नहीं कहते, और पैसे की भी तो जरूरत होती है। अरे पेंशन मिलता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा बैंक में पड़ा है, नीता की नौकरी है, आमू ठीक है, और फिर ऊपर से पुरखों का मकान तो है, किराया मिलता है, ऊपर से मिलता है, नीचे से मिलता है, थोड़ा ही सही लेकिन आता तो है। हाँ हाँ आता होगा, मगर कीमतें भी बढ़ रही है। वो ये लोग जाने, मैं इन सब बातों में नहीं पड़ता। और ये लोग भी कुछ नहीं बोलते। क्यों, कहती हो कभी? बोलती हो?
बताइए, अगर आप लोग नहीं समझाएंगे तो कौन आएगा समझाने? कितनी बार कहा है इनसे कुछ नोट्स लिख दे। आप क्या समझते हैं कि हमने नहीं कहा कभी? बच्चों ने नहीं कहा? और अलग से लिखने का कुछ है भी नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है। वो जो वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ से उठाकर यहाँ, यहाँ से उठाकर वहाँ, बस एक शक्ल दे दो, बन गए नोट्स। देखिए जनाब, आपकी दो नोट्स जो चल रही है ना बाजार में, उन्हें कोई नहीं पूछता, गायब हो जाती हैं अगर मैं लिखने लगता। क्या बोलूं? बोलिए, बोलो। बात यह है कि ये काम तो सर से होगा नहीं। ये वाकई मेरे बस की बात नहीं है। आई हैव प्रूव्ड टू बी अ बैड टीचर, बैड, वेरी बैड। बाबा कैसे बातें करते, सुना? कितना अहंकार है, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। माँ क्या है, क्या है दीदी? बाबा की तस्वीरें। अरे वाह, कहाँ से मिली? ड्रॉर में थी। ये देखो कैसे लग रहे हैं। ये देखो, ये वाली अपर्णा जी के लिफाफे में थी। अपर्णा आई थी आज दोपहर को ये तस्वीरें देने, लेकिन ये तो बहुत पहले खींची थी ना। इतने दिन वो आई भी कहां। ये देखो कैसी सूरत बनाई है, सो स्वीट। दादा देखो तो, इतने दिन आई नहीं, कुछ बोला नहीं। क्या है? आओ ना, इधर आओ ना। बाबा की तस्वीरें अपर्णा दी ने खींची थी। अच्छा, कितने क्यूट है ना। अरे ये तो तुम हो, ये देखो माँ भी है। ला मुझे दिखाओ। अरे वाह, तुमने बताया नहीं, छुपा कर क्यों रखा हमसे? आने दो अपर्णा दी को, मैं लड़ाई करूंगी। मेरी क्यों नहीं खींची? ये देखो। बढ़िया है ना? क्या हुआ? अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? ये सब, ये तस्वीरें। क्यों, ये अच्छी नहीं है? ये तस्वीरें अच्छी जिनको लगे उनको लगे, मुझे अच्छी नहीं लगती। देख नहीं रही हो, खुशी के मारे फूला नहीं समा रहे हैं, उछल रहे हैं, हंस रहे हैं। सोच सकता है कोई एक एक आदमी सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाएगा? कभी हमारे बारे में सोचा है कि हम पे क्या बीतेगी? कभी सोचा है? अगर जरा सा भी एहसास होता हमारा, जरा सा, थोड़ा सा, जरा सा हमें भी समझ लेते। ये अचानक क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं, आज सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे दी थी। मैं क्या कर सकता हूं, क्या देता हूं मैं तुम्हें? कभी कभार थोड़ा बहुत कमा के ला दिया तो दिया, नहीं दिया तो। ये किराएदार 27 साल से बैठे हैं, क्या मिलता है इनसे, क्या आता है? अमो, तुम्हारे बाबा ने कभी मकान के किराए से घर नहीं चलाया। ठीक है मां, लेकिन तुम समझती हो कि बाबा का पैसा बैंक में पड़ा है? हां पड़ा है, लेकिन वो पैसे सड़ेंगे, सड़ेंगे वो पैसे। वो पैसे तुम्हारे नहीं, मेरे नहीं, दीदी के नहीं, सीमा के नहीं, किसी के नहीं। वो पैसे बाबा के हैं। तुम्हारे पास चेकबुक है ना, रखो चेकबुक अपने पास, लेकिन पैसे बाबा के हैं। मैंने तुम लोगों को नहीं बताया, मैं बैंक गया था।
पैसा 7 साल तक बैंक में पड़ा रहेगा, 7 साल तक। अगर बाबा 7 साल के अंदर नहीं लौटे तो। और ये बैंक वालों का कहना है, मेरा नहीं है। अमो बहुत हो गया, बस करो। सुना है तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम्हारी मां कह रही थी, मुझसे नहीं कहा गया, मैं कोई गैर हूं, पराया हूं, किस लिए चाहिए पैसे? बिजनेस के लिए है जी। कितने चाहिए? मैं जानता हूं, पता नहीं ये भूत कहां से सवार हो गया तुम्हारे सर पर, बिजनेस जो मैंने न कभी सोचा था न चाहा था। सोचा था कम से कम बीए तो कर लेगा, शर्म आती है, लोगों को मुंह दिखाना भी मुश्किल हो गया है तुम्हारे लिए। रहने दीजिए। क्यों? जरूरत नहीं है। कहाँ जा रहे हैं अमू? बाहर जा रहा हूं। अमू, अमू लौटेगा कब? पैसे नहीं लिए तुम्हारे लाडले ने। इस तरह कहोगे तो कोई लेगा? क्या क्या किया मैंने? क्या कहा? क्या नहीं कहा? कुछ कहना बाकी है? अरे इतना भी नहीं कह सकता मैं। लेकिन क्या इस तरह कहोगे? और कोई तरीका नहीं? लो दे दो उसे, पूरा है। नहीं, मुझसे नहीं होगा, देना हो तो तुम ही दे देना। तुम्हें सिर्फ अपना मुंह दिखाने की फिक्र है, लेकिन तुम्हारा बेटा, कभी उसके बारे में सोचा है? कभी बैठे हो उसके पास 2 घड़ी, पूछा है कि वो कैसा है? खुद से नहीं हो पाया तो किसी प्राइवेट ट्यूटर का ही बंदोबस्त कर देते, लेकिन नहीं, सोचा ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहा। तुमने कभी इस घर या घर वालों के बारे में नहीं सोचा, मेरे बारे में सोचा है? सोचा है कि मैं इस तरह घर में ना बैठकर कुछ करूं? नहीं नहीं, सोचा ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहा। अपनी किताबों को लेकर पढ़े रहे, उसमें भी कौन सा तीर मार लिया। अरुण बाबू को देखो कैसे ठाट से रहते हैं। आज अगर अमू अपने पैरों पर अपने ढंग से खड़ा होना चाहता है तो तुम्हें क्या एतराज है? उसने तुमसे उधार मांगा था, उधार, और तुमने जो मुंह में आया कह दिया। अब अगर वो भैया के पास जाए तो
तुम्हारा भाई समर भाई साहब क्या अमो उनके पास जाएगा? कहा उसने? कहा तो नहीं है, लेकिन चला जाए तो? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? उनके पास कैसे जा सकता है वो? कहा तो नहीं ना उसने? तुम रोको उसको प्लीज, उसका वहां जाना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। बहुत रात हो चुकी, सोना नहीं है? सोऊंगा। बाबा क्या सोच रहे हो? तुम जानती हो नीता, हमारे यहां सबसे कीमती चीज है सफलता, कामयाबी। साधना डेडिकेशन की कोई कीमत नहीं है इस दुनिया में। चलो चलो जल्दी करो, कम ऑन हरी आप। थैंक यू। कितने दिनों बाद फिल्म देख रहे हैं? तुम्हें जल ठंड बहुत है बाहर, सोचा था इस बार शायद इतनी सर्दी ना हो, अकड़ गया मैं तो। देखो कौन आया है। अरे
कब आए? अभी। पेंशन ले आया आपने, ये एक अच्छा खासा झमेला है। हर महीने जाओ, साइन करो, रुपए गिनो। अब सोचो कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाए या स्ट्रोक हो जाए या हाथ पैरालाइज हो जाए। अरे? मैंने कहा उनसे तो कहने लगे खुद आएंगे पैसे देने, अंगूठा लगवा कर ही जाएंगे, लेकिन पैसे किसी और को नहीं देंगे। देखिए तो कैसी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। सुन रही थी मैं, ऐसी डराने की आदत है। अरे ठहरो ठहरो, ये लो चेक है। अरे हाँ, ये इरफान हबीब की किताब अभी अभी खत्म की, बहुत अच्छी है। क्यों, मैंने कहा था ना, आई लाइक्ड इट वेरी मच। लीजिए अब ये पढ़िए। क्या है? आज ही आया है, आपको नहीं मिला क्या? नहीं। आपका वो आर्टिकल उसी का जवाब है। आपने जैसे कहा था ना कॉन्ट्रोवर्सी होगी, वैसे ही हुआ। ये सब क्या है, क्या लिखा है ये सब? हाँ लगता है काफी बिगड़ गए हैं। तुम जानते हो इन्हें? जी कलकत्ते के तो नहीं है, कहीं बाहर के होंगे शायद। आई एम अ प्लेजरिस्ट, चोरी की है मैंने, चोरी की है, प्लेजरिज्म। प्लेजियरिज्म कहता है, ये सब्जेक्ट मेरे बस का नहीं है। कहता है मैंने डबल किया है इस सब्जेक्ट को लेकर, मैंने डबल किया है, डबल किया है। और देखो देखो सुनो, कहता है द राइटर हैजंट गॉट द फॉगीएस्ट आइडिया ऑफ व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। मैंने पढ़ा है सर, दो बार पढ़ा है। इस तरह उनका लिखना ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ? ये ऐसे कोई लिखता है? लिखने का कोई तरीका है? काबिश। मुझे लगता है सर आपको शायद थोड़ा और केयरफुली लिखना चाहिए था। मुझसे कह रही हो? जी। यू मीन आई वाज केयरलेस? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन हाँ कहो कहो, जो कहना है कह डालो। आपने शायद कुछ जल्दबाजी में लिख दिया होगा। ये तुम क्या कह रही हो अपर्णा, ये कोई जल्दबाजी करने की चीज है? तुम्हें पता है मैंने कहां कहां से सब रेफरेंस मटीरियल इकट्ठा किया है, दिखाता हूं। कोई प्लेजरिज्म नहीं है, चोरी नहीं है। सर सर ये आप क्या कर रहे हैं सर, ऐसा भी तो नहीं उन्हीं की बात लास्ट वर्ड है। लेकिन वो इस तरह लिखेगा ही क्यों, एक अहमक की तरह? आप इसका जवाब दीजिए, सही जवाब दीजिए। अगर कुछ और मटेरियल की जरूरत हो तो। लेकिन मटेरियल गया कहां, यही तो रखा था मैंने, यही कहीं से निकाला था मैंने। जुलाई के इशू में होना चाहिए। क्यों नहीं, इसमें नहीं है। लेकिन आप छोड़िए ना सर, मुझे बताइए, मैं देखती हूं। क्या ढूंढ रहे हैं आप, कौन सा इशू? कौन सा इशू याद नहीं, लेकिन यहीं से निकाला था, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। सर क्या कर रहे हैं आप, अपर्णा है उसको देखने दीजिए ना। उसे कैसे मिलेगा, मेरी चीज मुझे ही नहीं मिल रही तो उसे कैसे मिलेगी? अपर्णा तुम यहां आ जाओ, करने दो उनको जैसा करना है, हमेशा यही करते हैं, अपनी चीज यहां वहां कर देंगे और फिर सारा घर उलट पुलट कर रख देंगे। अगर वहां नहीं मिल रही है तो हो सकता है कहीं और रखी हो। सर ठहरो ना, मुझे जरा देखने दो। तुमने यहां से कुछ हटाया तो नहीं? मैं क्यों हटाने लगी, देखा
देखो यहाँ एक बंडल पड़ा है, शायद इसी में हो। हाथ नहीं लगाना, कह देता हूँ। माँ मेरी किसी भी चीज को तुम लोग हाथ नहीं लगाओगे। जो जिस तरह जहां पड़ा है पड़ा रहने दो, या कमरा धूल में पड़े कूड़ादान बने बनने दो, लेकिन कोई कुछ नहीं छुएगा। बैठो अपना। इसे पढ़ना क्या जरूरी है अभी? अपना सीमा सो गई। बाबा का ख्याल कभी आता है तुझे? दीदी, ओ दीदी सुन रही हूँ, बोल। कुछ नहीं, आज आलोकर मैं एक फिल्म देखने गए थे। कौन सी फिल्म दीदी? थी एक, देखते देखते पता नहीं क्यों बाबा याद आने लगे। कितनी बातें, कितना कुछ, फिल्म देख ही नहीं सकी। तुझे कभी ऐसा लगा बाबा में काफी फ्रस्ट्रेशन आ गया था? लगता नहीं था कभी? बीच बीच में कैसे बिगड़ जाते थे ऐसे ही अचानक, बिना कारण, कोई वजह नहीं, कोई बात नहीं। गुस्सा असल में किसी और के ऊपर नहीं, खुद अपने ऊपर ही था, कुछ भी न कर पाने की वजह से। नौकरी में प्रमोशन या पैसा वैसा बाबा को नहीं चाहिए था, सिर्फ चाहते थे कि कुछ कर दिखाएं। लेकिन कुछ हुआ? कुछ कर पाए? एक बात कहूं, बाबा शायद उतने बड़े थे ही नहीं। हम लोगों ने खुद अपने आप में ही तय कर लिया था, और बाबा खुद भी समझने लगे थे कि वो आम आदमी नहीं है। हम घर वालों ने ही तो समझाया था कि बाबा आप मामूली आदमी नहीं हो, बहुत बड़े हो, बहुत ऊंचे हो, सबसे अलग। हमने कभी ये नहीं सोचा, सोचना ही नहीं चाहा कि बाबा भी दूसरे आदमियों में से ही एक मामूली आदमी, बाकी लोगों की तरह एक साधारण आदमी। एक बार तूने कहा था कि बाबा में कितना अहंकार है, क्या वो सचमुच अहंकार था या अपने को छुपाए रखने का, बचाए रखने का एक तरीका? क्या वो सीमा, ये सब मैं क्या कह रही हूं, कैसे कह रही हूं? बाबा के बारे में ये बात मेरी जबान पर आई कैसे?
सीमा ये सब? अरे आप आइए। रमा दरवाजा बंद कर दे। आइए। बैठिए। कई दिनों से सोच रही थी कि आऊं, लेकिन आ ही नहीं सकी। और आप भी तो कामकाज में लगी रहती हैं। नहीं, काम तो ऐसे कोई खास नहीं रहता। हाँ, सुबह बच्चों को थोड़ी जल्दी होती है, उसके बाद तो अकेली ही तो रहती है ना। मैं भी ये सोच रही थी, बाहर जाते तो कभी देखा नहीं। कहाँ जाऊं? बच्चे नहीं ले जाते साथ घुमाने? कहते नहीं? कहते तो हैं, मैं ही नहीं जाती। जाने से भी क्या फायदा, 10 लोग 10 सवाल। नहीं, अब सवालों से कोई डर नहीं लगता। हाँ, जिस काम से आई थी ये काफी दिनों से कह रहे थे, पर आप लोग शायद इन सब बातों में विश्वास नहीं करते। क्या ये साधु संत? अभी आई। आरती, नाली अच्छी तरह साफ कर दे, बंद पड़ी है। अच्छा। और देख, कचरा यहां मत डाल, बाहर फेंक। काम नहीं करती ठीक से, सब बताना पड़ता है। चलेंगे एक जगह, पता है मेरे पास। कहां? एक स्वामी जी आए हैं, तांत्रिक हैं, एकदम सिद्ध पुरुष, सब कुछ बता सकते हैं। कोई भी बात गलत नहीं बताते, अद्भुत शक्ति है उनमें। लोग दूर दूर से आते हैं उनके दर्शन के लिए। किसी एक सेठानी के घर पर रुके हुए हैं, अखबार में छपा है, पढ़ा नहीं आपने? नहीं। चलिए ना एक बार हुआइए, दान दक्षिणा कुछ भी नहीं लेते। हर्ज क्या है, अगर चाहें तो मैं भी जा सकती हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, आपको यूं ही परेशानी होगी। नहीं नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं भी दर्शन कर लूंगी। आप क्या सोचती हैं, सिर्फ आप ही हैं? मेरे मन में कुछ दुख नहीं। 3 रात जल्दी तड़पती रहती हूं। अच्छा तो चलती हूं आज, वो कह रहे थे आज जल्दी लौटेंगे। ये उनका पता है, इसे रख लीजिए, अगर कभी जाना हो तो मुझे बताइएगा। बताएंगे ना? नहीं नहीं, उसे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। जाना चाहती हूँ तो मैं ही ले चलूंगी। अच्छा, चलेगी तू? आलोक से कहूं तो शायद वो भी चले। जाएगा वो? शायद। देख, अमोर सीमा से मत कहना। लेकिन इतना तो मैं भी कहूंगी माँ, वहां जाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन सुना है कि काफी लोग जा रहे हैं, हल भी मिलता है। काफी लोग जा रहे हैं इसलिए तुम भी जाओगी। लेकिन देखो तो क्या कहता है, हर्जी क्या है। ठीक है,
इसी बहाने तुम्हारा बाहर निकलना तो होगा। चलेंगे किसी दिन। स्वामी जी अभी आते ही होंगे, आप जरा अंदर जाकर बैठिए। चलो तुम लोग, हम यहीं ठीक हैं। कब आएंगे स्वामी जी? बस अभी आते ही होंगे, आप लोग जरा अंदर जाकर बैठिए। हम यहीं ठीक हैं, आप माँ को कहीं जगह दिलवा सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, आइए मेरे साथ। आप यहाँ एक मिनट। क्या हुआ? पड़ोसन। कौन पड़ोसन? वही जिन्होंने माँ को यहाँ का पता दिया था, वहाँ बैठे। चलो उस तरफ चलें। स्वामी जी कब तक आएंगे? आपने मुझसे पूछा? मुझे नहीं मालूम, मैं भी काफी देर से उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। आप किस लिए आई हैं? अपने बच्चे के लिए। क्या हुआ इसे? डॉक्टर अभी तक बता ही नहीं पाए। इसे तो बुखार है। हाँ, काफी दिन से है। हमारे परिवार को बहुत खुशी हुई कि आप लोग सब यहाँ आए स्वामी जी से मिलने के लिए। आप तो जानते हैं स्वामी जी का आजकल शेड्यूल बहुत व्यस्त है। आप लोग जरा आराम करिए, स्वामी जी विश्राम कर रहे हैं, बस अभी उतरते ही होंगे। और सर क्या हालचाल है? अच्छा। पिताजी आपकी बात पूछ रहे थे तो मैंने कहा आप जरूर आएंगे आज। उनकी तबीयत तो अच्छी है ना? हाँ जी। बस आप कैसे हैं? अच्छा ही है बस। पानी मिलेगा? ओ पानी, हाँ जरूर। अरे नोनी जरा पानी लाओ भाई, लोगों को पानी दो। जी अच्छा। अच्छा जी। अरे भाई लोगों को बैठाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? आप जरा बैठिए। मेरी घड़ी के तो 12 बज रहे हैं, तुम्हारे बस क्या टाइम है? 4:30। लगता है काफी टाइम लग जाएगा। तुम्हें यहाँ घसीटला ही अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन ना लोग माँ के लिए कुछ नहीं कर पाए हम लोग। सोचा यहाँ आने से उन्हें तसल्ली मिलती है तो। घर पे बाकी सब कैसे हैं? सब ठीक ही है। अमू का बिजनेस लगता है कुछ संभल रहा है। सीमा भी कॉलेज जाती है, दिन रात एग्जाम्स के लिए मेहनत कर रही है। मैं भी अच्छी भली हूँ, ऑफिस जाती हूँ, सिनेमा देखती हूँ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सिर्फ क्या? सिर्फ माँ को ही नहीं समझा सके। पूरा घर संभालती हैं लेकिन मन कहीं और लगा रहता है। माँ को अभी पूरा विश्वास है कि एक दिन बाबा जरूर वापस आएंगे। अच्छा अगर सचमुच वापस आ गए तो? नमस्ते। सॉरी वी आर लेट। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर मिस्टर रे। नमस्ते जी। नमस्ते। आइए स्वामी जी ऊपर ही हैं, आप उनसे वहां ही मिल लीजिए, यहाँ बहुत भीड़ है। अरे महेश इनको जरा ऊपर ले जा। लगता है कोई वीआईपी है। मतलब ये कि नॉन वीआईपीज को काफी समय लग जाएगा दर्शन मिलने में। वो तो ठीक है, पर अगर यार दोस्तों ने हमें यहाँ देख लिया तो इसी तरह साधु महात्मा के दरबार में। बोलो। लगता है आज भी बिना दर्शन किए हुए ही जाना पड़ेगा। आप पहले भी आ चुके हैं? हाँ पर बात नहीं हुई, बहुत भीड़ थी।
क्या हुआ? क्या बहुत तकलीफ हो रही है ये अचानक क्या हो गया? क्यों बहुत तकलीफ हो रही है? एक मिनट सर, जरा जाने दीजिए। इनके साथ कौन आए हैं जी? आप में से कोई डॉक्टर है? इनके साथ कोई नहीं है? नोनी, नोनी जरा एम्बुलेंस बुलाओ। आप लोग जरा शांत हो जाइए, हम अभी इंतजाम करते हैं। जाने की कोई बात नहीं है। एक मिनट जी, सिर्फ जरा जाने दीजिए। माँ क्या? चलो क्या हुआ? नीता, नीता, देखो तुम्हें। मैं उतरता हूं। लोग तुझसे कुछ नहीं कहता क्या? यही तेरी और उसकी बात। क्या बात? कैसे कहेगा, वो जानता है तेरे बिना हम बिखर जाएंगे। हमें तेरी जरूरत है। हाँ तुम भी। लाइए मुझे। थैंक यू। अगर मुझे पहले से पता होता तो कभी नहीं जाने। बस करो, बहुत हो चुका। मैं आया। एक मिनट बैठो, सुन लो। नीता मेरे साथ चलो। अमू तुम भी आओ। किताबें कहीं खराब ना हो जाएं। झाड़ पोंछ हो रही है इनकी। कौन करेगा? इन्हें कहीं डोनेट कर दें? नहीं, क्यों? किसी लाइब्रेरी को दे दें। तुम्हारे बाबा के नाम से रहेंगी। नहीं मामा, ये यहीं ठीक है। सीमा कहाँ है? कॉलेज में। चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं। लगा जाना तो होगा कभी। मुझे तो नहीं लगता कि बैठो। मैं तुम लोगों के यहां इसलिए लाया हूं कि क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारे बाबा लौट आएंगे? कम से कम मैं तो ऐसा नहीं सोचता।
मैं कहूंगा कि बाबा लौटने वाले नहीं है। और तुम? घूम फिर कर एक ही बात आती है दिमाग में, ये आदमी क्यों चला गया इस तरह? कोई बात नहीं, कोई वजह नहीं, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ कर अचानक, कोई सोच सकता था? अमू तुमने बैंक से खबर ली? हाँ गया था पिछले हफ्ते, वैसे ही पड़ा है सब कुछ जैसे था। कमाल है, साधु सन्यासी तो बनने से रहे। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तुम लोग अब बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं रहे, इसलिए सोचता हूं कि अब ये बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई, विश्वास भी नहीं हुआ आज तक तुम्हारी। मामी कह रही थी एक दिन बातों बातों में। क्या? वो तुम्हारे बाबा की स्टूडेंट, वो क्या नाम है उसका, अपर्णा दी, वही जिसने उस दिन रात को फोन किया था। हाँ अपर्णा दी। वो कभी उसके बाद आई? एक दिन आई थी, बस एक ही बार। बाबा की कुछ तस्वीरें खींची थी, वही देने आई थी। तस्वीरें भी खींचती है? ऐसे ही शौक किया। उसके बाद कभी नहीं आई? अरुण का कभी तो नहीं आया। अच्छा तुम लोगों को मतलब तुमने अपने बाबा को, वो क्या नाम है उसका, अपर्णा दी, हाँ उसी लड़की के साथ, मतलब उन दोनों को कभी उनका कुछ आपस में, या कभी उन दोनों को कैसे कहूं, मतलब यही कि सच है कि नहीं बोलो? अच्छा बताओ तो, अगर मेरे उम्र अचानक 25 साल कम हो जाए तो क्या होगा? तब तो आपसे दूर ही रहना चाहिए, है ना भाभी? लो पानी तो पूरा पियो। भाभी जी चाय पियोंगे? पानी तो पहले ही चढ़ा दिया है। हाँ यू आर ग्रेट। नहीं कुछ नहीं, सीमा सो गई है, सोने दे, इम्तहान सर पे हैं, कई रातों से जाग रही है बेचारी। हमो भी शायद देर से आएगा। हाँ यही कह गया है। अच्छा माँ। हाँ फिर कभी नहीं आई ना? कौन? अपर्णा दी। ना वही जो एक बार आई थी। क्यों? नहीं ऐसे ही
आती रहती थी इसलिए। नीता बैठना। नीता तुझे कभी ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि क्या मां क्या कह रही थी, कहो क्या कह रही थी मां, बोलो क्या कह रही थी मां। इतने दिन तुमने ये बात छुपाई रखी मुझसे, अम्मू और सीमा से मत कहना। नहीं कहूंगी, लेकिन मां नमस्ते। नमस्ते। यहाँ अपर्णा चौधरी यहाँ रहती हैं? रहती थी पर अब नहीं। ओ काफी दिन हुए, चली गई कलकत्ते से बाहर। कहाँ? वो तो नहीं बता सकती, आती है कभी कभार छुट्टियों में तो मिलकर जाती है। और आप? वो मेरी पेइंग गेस्ट थी। क्यों, कुछ काम था क्या? जी हाँ, इस बीच आए तो कहिएगा। कहाँ है वो तो बता नहीं सकता, अगर कहो तो खोज कर देखो। कह रही थी एक अच्छी ऑफर मिली है बाहर। हाँ ऐसा ही कुछ कह रही थी, सुना है शादी भी कर ली है। हाँ आऊंगा, आऊंगा एक दिन जरूर। एक फोन किया है सर। इट्स ओके। लिसन जरा रुको, मैं भी आती हूँ। हाँ दीदी। क्या हुआ सीमा? ऑफ हो ये टेलीफोन, धत फेंक दो इसे। कितनी बार कोशिश की माँ। क्या हुआ बोल लो, क्या हुआ? फर्स्ट क्लास मिला है। अरे मैं अभी आई। आप कहाँ जा रही है? अभी आ जाऊंगी, जल्दी आना। अभी आ जाऊंगी। अब इस वक्त कहाँ गई है माँ? तुम भी से मिलने आई थी। हाँ
आइए। मैं तो अब यहां नहीं रहती। कोई खास बात थी? मां, कैसी हैं भाभी? आओ। बैठो। क्या बात है? आप लोग चुप क्यों हैं? भाभी, नीता, तुमसे कुछ बात। क्या? ये क्या है? क्या है ये? ये तो सर की हैंडराइटिंग है। उन्हीं की किताब से मिला। लेकिन मेरा नाम इस तरह? आप क्या सोच रही हैं? क्या आप लोग सचमुच समझ रहे हैं कि मैं? लेकिन मैंने तो कभी चलती हूँ। हाँ हाँ, मैं तुम लोगों के सेंटिमेंट समझता हूँ। यह कमरा, ये किताबें। ये किताबें बाबा के लिए सब कुछ थी मामा। जानता हूं, सब समझता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं। जिस तरह से तुम्हारे बाबा ने अपनी ही नहीं बल्कि अपने पिता की किताबों को भी संभाल कर रखा है, तुम लोग रख सकोगे? संभाल पाओगे उस तरह से? लेकिन ये सब चली जाएंगी तो मेरे पास क्या रहेगा? अब मैं कैसे कहूं? ये इस तरह यहां पड़ी हैं, धूल पड़ी है इन पर, बजाय इसके कि इनको यहां दीमक चाटे, खराब हों, इनको कॉलेज की लाइब्रेरी को दे दो, जहां ये हिफाजत से रहें, दूसरे लोगों के काम आए। मैंने प्रिंसिपल साहब से बात कर ली है, ये वहां उन्हीं के नाम से रहेंगी, तुम्हारे बाबा के। जरा सोचो, ये कितने सम्मान की बात है। 155 E/95 इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, 156 E/96 इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस,
157, EBA 97, the wonder that was India. 158, Jara sambhal kar. 158, EBA 98, inside Africa. 159, EBA 99, the cultural heritage of India. 160, EBA 100, the medieval India. 161, EBA 101, lands and people. Achha, shuru kar diya. Good, very good. 162, EBA 102, lands and people. 160, EBA 101, Economic history of Bengal, no number. 164, EBA 104, inside India today. तुम्हारी मांदर है? हाँ. 165, EBA 105, absent of man. 160. ये किताबें लाइब्रेरी में पूरी हिफाजत से रहेंगी, इसीलिए लाइब्रेरियन खुद यहां आई है और आज मैंने सुबह फिर प्रिंसिपल साहब से बात की है। अगर किसी दिन वो वापस आ गए फिर जोर से बारिश आई। उस दिन भी ठीक ऐसी। हाँ, एक साल बीत गया और इस एक साल में हमने क्या कुछ नहीं कहा बाबा के बारे में। मैंने कहा बाबा ने हमारे बारे में नहीं सोचा, कुछ नहीं किया। मैंने कहा बाबा कितने अहंकारी हैं, घमंडी हैं, और मैंने कहा बाबा एक साधारण आदमी, एक मामूली इंसान, शायद बाबा भी ऐसा ही कुछ महसूस करने लगे थे, समझने लगे थे कि वो शायद इसीलिए। मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, जाने से पहले एक रात लेटे लेटे मुझसे कहने लगे, दुख सबसे ज्यादा इस बात का है आदमी का जीवन सिर्फ एक ही है, वो एक ही जिंदगी जीता है,